नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शेष छठवें और सातवें चरण में जो चुनाव होने हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण छठवें और सातवें चरण के चुनाव रहने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि छठवें और सातवें चरण में जितनी सीटों पर चुनाव होने हैं वो निर्णायक सीट रहने वाली हैं, क्योंकि अभी तक जो पांच चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं वहां पर जो टक्कर है एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन के बीच, काफ़ी पेचीदा मुकाबला पांचों चरणों में देखने को मिला है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि छठवां चरण जो कि लगभग 58 सीटों पर 8 राज्यों में चुनाव होना है, काफ़ी निर्णायक साबित होने वाला है। और छठवें चरण में जिस गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलेंगी उसी के चांसेस इस बार केंद्र में सरकार बनाने के हैं, क्योंकि 2014-19 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए की जो लहर थी वो इस बार 2024 में कहीं ना कहीं फीकी दिखाई दी है। और साथ ही जो छठवें चरण में 8 में से 2 राज्य ऐसे हैं जिन पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, यानी कि किसी भी दूसरी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट जीतने का मौका नहीं दिया था। तो दोस्तों, छठवें चरण के आंकड़े क्या कहते हैं, कितने राज्यों में कितनी सीटों पर और कहां कहां चुनाव होने हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। और सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं कि जो छठवें चरण में जो चुनाव होने हैं उनकी क्या कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि छठवें चरण में जो 58 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं वो काफ़ी निर्णायक सीट साबित होने वाली हैं, क्योंकि इसमें से 2 राज्य ऐसे आ रहे हैं जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 2014-19 में अपनी सरकार केंद्र में बनाई है उनके लिए क्लीन स्वीप यहां पर 2019 में 2 राज्य उन्होंने किए थे। तो दोस्तों, जो छठवें चरण की जो प्रक्रिया है मतदान की वो यहाँ पर 25 मई को, ये जो छठवें चरण में जो चुनाव होने हैं 25 मई को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, यानी कि जो छठवें चरण में 25 मई को चुनाव होंगे। तो जो चुनाव प्रचार चल रहा है छठवें चरण की सभी 58 सीटों पर वो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, यानी कि अब प्रत्याशियों के पास कोई भी चुनावी सभा, कोई भी रोड शो, कोई भी रैली करने का मौका नहीं रहेगा। वो कल 24 और 25 तक डोर टू डोर अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से जनसंपर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये शेड्यूल था लोकसभा चुनाव 2024 का। पहला चरण आपको पता ही, 19 को हो गया, दूसरा 26 को हो गया, तीसरा 7 को हो गया, चौथा 13 मई को हो गया, पांचवा 20 मई को, और ये छठवां चरण की बारी है 25 मई को होना है, और आखिर में एक बचेगा वो 1 जून को हो जाएगा, और सभी 7 चरणों के जो नतीजे आने हैं, जो मतगणना होनी है वो 4 जून को होनी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि छठवें चरण की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो दोस्तों, जो छठवें चरण की अगर बात की जाए तो जो छठवें चरण की जो मतदान डेट है वो 25 मई है। तो आज 23 मई हो गई, कल का दिन बीच में है, परसों यहाँ पर पोलिंग होनी है और नतीजे तो सभी चरणों के एक साथ आने ही हैं 4 जून को। तो जो छठवें चरण में जो लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे हैं वो कुल 8 राज्यों में हो रहे हैं, 8 राज्यों की टोटल 58 सीटें हैं, और सभी 58 सीटों पर जो टोटल उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं वो टोटल हैं 889। तो काफ़ी संख्या है और आप समझ सकते हैं कि लगभग 58 सीटों पर 889 अगर उम्मीदवार मैदान में हैं तो पेचीदा मुकाबला सभी सीटों पर आप कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि एक सीट पर लगभग जो टक्कर रहती है 2 या अधिकतम 3 उम्मीदवारों के बीच रहती है, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को भी रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जो 8 राज्य हैं जिन पर चुनाव छठवें चरण में होने हैं उसमें आता है पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली, चौथा हरियाणा, पाँचवा झारखंड, छठा ओडिशा, सातवां पश्चिम बंगाल और अंत में जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इन 8 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि छठा चरण काफ़ी अहम और निर्णायक साबित होने वाला है,
किसकी सरकार केंद्र में बनेगी ये छठे चरण में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वोटिंग के बाद, क्योंकि वोटिंग के बाद ही ओपिनियन पोल आ जाता है, एग्जिट पोल आ जाता है और रुझानों में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है जब आंकड़े आते हैं। दोस्तों, इन 8 राज्यों में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने, एक तो हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं और एक दिल्ली, यहाँ पर 7 सीटें हैं टोटल, दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10। अगर दोनों सीटों की बात की जाए तो ये 17 सीट यहाँ पर दोनों राज्यों की ऐसी थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी को यहाँ पर जीतने का मौका नहीं दिया था, यानी कि बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, सभी सीटों को जीतकर एक अच्छा अपना प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही राज्यों में दिखाया था। लेकिन 2024 में हालात बिल्कुल अलग हैं 2019 के मुकाबले, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा कि कुछ समय पहले महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था, तो उसका असर हरियाणा में निश्चित तौर पर देखने को मिला था। और 2024 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा था आनन फानन में, और दिल्ली में तो आप हालात देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, जिस प्रकार से वो जेल गए थे और अभी पैरोल पर आए हैं, 2 जून को फिर से उन्हें जाना होगा, तो दिल्ली के भी आप हालात समझ सकते हैं। और साथ ही दिल्ली में तो पहले से स्पष्ट हो गया था कि इस बार बीजेपी की हालत पहले जैसी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो 2019 में 2 सांसद दिल्ली से जीते थे, गौतम गंभीर और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने इस बार टिकट लेने से ही मना कर दिया था, यानी कि वो इस बार चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं दिखाई दिए। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही वो हालात को भाप गए थे, इस वजह से उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया था। और आप चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान लगातार देख रहे होंगे कि दिल्ली के हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 जैसे नहीं है, और सेम ऐसी स्थिति हरियाणा की है, यानी कि दिल्ली और हरियाणा की सभी 17 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी एक एक सीट को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, यानी कि सभी 17 सीटों की अगर तुलना की जाए तो फिलहाल में एक भी सीट पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर या इस सीट पर बीजेपी जीतने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टोटल इन 8 राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें आ रही हैं छठवें चरण में जहाँ पर चुनाव होने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 14 सीटों पर चुनाव होने हैं और कुल प्रत्याशी यहाँ पर 162 हैं सभी 14 ही लोकसभा सीटों पर, जिनमें जो 14 सीटें हैं वो इस प्रकार हैं, एक सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, लालगंज, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, मछली शहर, आजमगढ़, भदोही और जौनपुर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चुनाव उत्तर प्रदेश में छठवें चरण में इन 14 सीटों पर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कड़ा मुकाबला वो देखा जा रहा है वो है आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नरहुआ को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके अपोजिट में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों के बीच काफ़ी पेचीदा मुकाबला यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है। बाकी सभी सीटों पर भी इस बार कड़ा मुकाबला है 2019 की अपेक्षा। ओपिनियन पोल क्या कहते हैं वो हम चुनाव जैसे ही 25 मई को यहाँ पर होंगे तो वो भी हम लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल किन किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसी पर हम फोकस रखते हैं। दूसरा राज्य है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक एक सीट जीतना काफ़ी भारी हो रहा है। एक भी सीट पर फिलहाल में हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है या वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अभी तक के आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं उनमें। तो टोटल जो 10 सीटें हैं उनमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद, टोटल ये हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। और गुड़गांव से यहाँ पर इस बार जो सिनेस्टर की बात की जाए तो गुड़गांव से राज बब्बर चुनाव मैदान में इस बार हरियाणा में है। पहले ये उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने फतेहपुर सीकरी से चुनाव नहीं लड़ा है और ये इस बार हरियाणा की गुड़गांव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक एक सीट जीतने के लिए तरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में स्थिति मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये हो गई हरियाणा की बात, अब बात करते हैं अगले राज्य की। तो दोस्तों, अगला राज्य है बिहार।
छठे चरण में बिहार की बात किया है तो टोटल 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 8 सीटों पर अगर सभी उम्मीदवार देखे जाए तो 86 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो वो 8 सीट कौन कौन सी हैं, तो पहली है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। बिहार की इन 8 सीटों पर इस बार 2024 में काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जिस पार्टी ने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं बड़े ही दमखम के साथ और बड़े ही मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, तो इस बार छठे चरण में बिहार की इन 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। तो वहीं बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में छठवें चरण में कुल 8 सीटें चुनाव मैदान में है, 8 सीटों पर पोलिंग होनी है, जिनमें 79 यानी कि 79 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है, जिनमें जो टोटल 8 सीटें हैं उनमें तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरलिया, वांकुरा और विष्णुपुर, ये 8 सीटें शामिल हैं छठे चरण में और इन पर पोलिंग होनी है छठे चरण यानी कि 25 मई को। वही बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में कुल टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर अपनी एकतरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात काफ़ी ख़राब हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को जीतने के लिए तरसती हुई दिल्ली में भी नज़र आ रही है हरियाणा की तरह, क्योंकि दिल्ली में जो हालात आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, अभी तो पैरोल पर प्रचार के लिए बाहर आ गए, 2 जून को उन्हें जाना पड़ेगा, तो हालात दिल्ली में काफ़ी ख़राब हैं। तो इस वजह से कुछ कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो 2019 में थी वो 2024 में भी सेम रहेगी। तो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उन पर टोटल 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और कौन कौन सी सीट हैं दिल्ली में, तो वो दिल्ली की तो वही गिनी चुनी 7 सीटें हैं, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम दिल्ली, ये टोटल 7 सीटें हैं और यहाँ पर काफ़ी पेचीदा मुकाबला इस बार दिल्ली में हो रहा है। तो क्या रहेगा वो जब पोलिंग हो जाएगी उसके बाद हम ओपिनियन पोल लेकर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अगला राज्य है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा में छठवें चरण में 6 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है और 6 सीटों पर जो प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं वो है 64 प्रत्याशी चुनाव मैदान में इस बार उड़ीसा में है छठे चरण में, और जो 6 सीटें हैं उनमें संबलपुर, क्योंझार, डेकानाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर, ये 6 सीटें छठवें चरण में उड़ीसा में मतदान छठे चरण यानी कि 25 मई को होना है। अब बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव होना है छठवें चरण में, ये 4 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और इन पर 93 यानी कि 93 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं झारखंड में। तो आप समझ सकते हैं कि इन राज्यों में चुनाव मैदान में जो प्रत्याशियों की संख्या है वो काफ़ी अधिक दिखाई दे रही है। तो 4 राज्यों की अगर बात की जाए तो 4 सीटों की बात की जाए तो उनमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर, ये 4 सीटें हैं जिनमें झारखंड में चुनाव होंगे छठे चरण में। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की, तो दोस्तों अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में छठे चरण में 1 सीट पर चुनाव होना है, हालांकि ये चुनाव छठे चरण में जम्मू कश्मीर की सीट पर नहीं होता, लेकिन अभी बताते हैं जो जम्मू कश्मीर की जो 1 सीट है जो छठे चरण में जो जिस पर चुनाव होने हैं 1 सीट पर, जिसमें कुल प्रत्याशी एक ही सीट पर आप लगा सकते हैं अंदाज 20 प्रत्याशी हैं जम्मू कश्मीर की, जो अनंतनाग और राजौरी लोकसभा क्षेत्र है उस पर 20 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सीट पर जम्मू कश्मीर की जो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट है इस पर तीसरे चरण में चुनाव होने थे, लेकिन वहाँ पर मौसम खराब हो गया था उस समय जब तीसरे चरण में चुनाव हो रहे थे, तो मौसम खराबी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से उस समय
मौसम की स्थिति को देखते हुए चुनाव को स्थगित करना पड़ा और निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि तीसरे चरण में ना कराकर इस चुनाव को छठे चरण में कराया जाएगा। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी लोकसभा, एक ही दोनों नाम है जो एक ही लोकसभा क्षेत्र है, वो इस बार छठे चरण में चुनाव हो रहे हैं और टोटल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये छठा चरण जो पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी उसके लिए अहम है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी है। तो पहले जो दिल्ली और हरियाणा जो छठवें चरण में सभी लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 जैसे हालात हरियाणा और दिल्ली में नहीं है। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि इस बार 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हो रहा है। किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या रहेगा, रुझानों के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप जो टोटल 58 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, अगर आप हमारे दर्शक, कोई भी दर्शक अगर इन सीटों में से आ रहा है जहां पर उनके चुनाव छठे चरण में होने, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके यहां किस पार्टी का उम्मीदवार इस बार सांसद बनने वाला है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार किस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने वाली है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर भेजें। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें, जिससे और भी लोग इस रिपोर्ट को देखें। और फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सकें। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।